हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज, आज मैं बहुत दिनों के बाद एक शॉर्ट ट्रिप पे आया हूँ, जो कि देहरादून के पास एक स्मॉल विलेज है जिसका नाम है पुरुकुल विलेज। तो गाइज, वहाँ पे मैं एक लग्जरी होम स्टे में स्टे करने आया हूँ। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये मैंने अपनी मर्जी से बनाया है एंड I love this property so much. I would love to come here again. होम स्टे, जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज द एंट्री गेट। इट्स द बुगेनवेलिया होम्स, अ लग्जरी होम स्टे इन पुरुकुल विलेज देहरादून। सो लेट्स एंटर। सो दिस इन फ्रंट ऑफ मी इज द विला एंड आप देख सकते हैं द नेचर, इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड हियर इज अ स्विंग एज वेल एंड सामने देयर इज अ गार्डन। सो दीज आर वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स, इट मेक्स द सराउंडिंग्स वेरी ब्यूटिफुल एंड हियर यू कैन स्विंग। सो लेट मी टेक यू टू द गार्डन राइट नाउ। सो दिस इज द गार्डन अलॉन्ग विद अ ग्रेट व्यू, तो विथ टू कॉटेजेस इन हेयर एंड वन विला इन हेयर, सो टोटल 3 फैमिलीज कैन स्टे हेयर एंड इनसाइड दिस विला देयर इज अ स्मॉल किचन एज वेल। तो अगर आप लोग को कुक करना है तो आप सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हो एंड यहाँ पे एक और किचन भी है, इनका मेन किचन, जहाँ से आप होममेड फूड ऑर्डर भी कर सकते हो। तो अभी मैं आप लोगों को गार्डन में बैठ के व्यू के साथ कुछ यहाँ के डिटेल्स बता देता हूँ। तो आप मेरे पीछे यहाँ पे व्यू देख सकते हैं, दिस इज़ द वैली व्यू एंड पूरा लश ग्रीन है एंड ये जहाँ पे सिचुएटेड है ये पहले एक माउंटेन था, तो इसको डेवलप किया गया है एंड 6 to 7 होमस्टेज आर कंस्ट्रक्टेड है। तो अभी उतना भी डेवलप नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप आएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा एंड यू विल गेट ऑल काइंड ऑफ होमस्टेज हेयर, फ्रॉम नॉर्मल होमस्टेज टू लग्जरियस होमस्टेज। और यहाँ पे आप 1 night 2 nights के लिए तो स्टे कर ही सकते हैं और अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे लॉन्ग स्टेज भी कर ही सकते हैं। सो मैं आप लोगों का भी यहाँ पे सराउंडिंग्स दिखाता हूँ। एज यू कैन सी, दिस इज अ सिटिंग एरिया एज वेल, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं एंड यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं व्यू को। And you can see the view. इस property में आने के लिए आपको Delhi NCR से hardly 4 to 5 hours लगेंगे। हम यहाँ पे Delhi से आए थे तो हमें 5 hours लगा था, हम आराम से आए थे, हमने breaks लिया था and हम self driven car से आए थे। तो we had a first break at the Cheetal Grand, वहाँ पे हमने breakfast किया, it's on Meerut Express, Meerut Road। तो वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया, वी स्पेंड अराउंड 30-40 मिनट्स देयर
एंड उसके बाद ऑन द रोड साइड जहाँ पे हमें बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट्स मिले, वी स्टॉप देयर एंड वी एंजॉयड अ बिट, क्योंकि ये एक रिलैक्सेशन ट्रिप था और हम जल्दबाजी में यहाँ पे नहीं आना चाहते थे. फिर भी हमें मैक्सिमम 5 आवर्स ही लगे, उससे ज़्यादा नहीं लगा. एंड हम देहरादून सिटी में आए, तो देहरादून सिटी से इट्स हार्डली 30 मिनट्स, तो आप आराम से यहाँ पे आ सकते हैं. जो फर्स्ट कमर्स हैं, मतलब जिन्होंने पहले हेलमेट ड्राइव नहीं किया है, वो भी बहुत ही ईजीली यहाँ पे आ सकते हैं. तो मैं अभी जिस प्रॉपर्टी में हूँ, बुगेनविलिया होमस्टेज, यहाँ पे टोटल 2 कॉटेजेस हैं एंड देयर इज 1 विला. तो अगर आप फैमिली के ग्रुप्स में आ रहे हैं, तो यू कैन बुक ऑल द 3 होमस्टेज, लाइक 2 कॉटेजेस एंड 1 विला. और अगर आप इंडिविजुअल फैमिली पे आ रहे हैं, तो आप इंडिविजुअल कॉटेज भी ले सकते हैं या फिर आप विला भी बुक कर सकते हैं. द मेन डिफरेंस इज दैट कॉटेजेस में रूम्स एंड अटैच वॉशरूम्स है, वेयर एज इन द विला देयर इज अ सिटिंग एरिया एज वेल, देयर इज अ किचन एंड देयर इज अ रूम एंड अटैच वॉशरूम. तो आप अपने हिसाब से स्पेसिफिकली बुक कर सकते हैं. एंड यहाँ पे ऑफिस ट्रिप्स पे अरेंज होती है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे आ सकते हैं एंजॉय करने के लिए. ऑल्सो ये जो आप यहाँ पे एक रोपवे ट्रैक देख सकते हैं, ये इस प्रॉपर्टी के एंट्री गेट के साइड में यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, विच इज़ अ रोपवे कनेक्टिंग फ्रॉम देहरादून टू मसूरी. और ये जब प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाएगा, तो आप इस रोपवे के थ्रू 1-day trip कर सकते हैं मसूरी के लिए. और ये कनेक्ट करेगा आपका मसूरी वे लाइब्रेरी चौक में. जैसा कि आप देख सकते हैं, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट एंड धीरे धीरे बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हो रही है. तो इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो लोकेशन में लोकेटेड है, मतलब बहुत ही अच्छी लोकेशन है. मतलब यहाँ पे नेचर है, ऊपर से यहाँ पे रोपवे है और वैली व्यू तो आप देख सकते हैं, इट्स जस्ट मेस्मराइजिंग. तो आप यहाँ पे आएंगे, ये जब कंप्लीट हो जाएगा, तब आप यहाँ पे 1 day मसूरी ट्रिप भी कर सकते हैं रोपवे के थ्रू. तो मैं अपने वीडियोस में आप लोगों को 5-star होटल का टूर तो देता ही हूँ, एंड रिसेंटली मैंने आप लोगों को होमस्टे का टूर भी दिया. एक मैंने आप लोगों को मशोपरा का होमस्टे दिखाया था, जिसका आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स था एंड आई लव्ड इट, थैंक यू सो मच. एंड लास्ट मार्च में मैं गया था उत्तराखंड में देहरादून के पास विकास नगर से, कोल और मटोकी विलेज के बीच में एक लग्जरियस होमस्टे था, विच वॉज क्लाउड्स एंड यू. तो वहाँ का पैकेज भी आप लोगों को दिखाया था आपने, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा. मैंने आप लोगों को इस होमस्टे का आउटसाइड व्यू टूर तो दे ही दिया है, तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ का रूम टूर भी दिखाता हूँ एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. सो लेट्स गो. तो अभी हमने जिस विला को बुक किया है, विच इज़ द 1 BHK विला, तो मैं अभी उस तरह आपको रूम टूर देता हूँ. तो यहाँ पे एक ऑल्सो यहाँ पे 24 आवर्स आपके लिए एक केयर टेकर भी है. तो अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप यहाँ पे फील फ्री टू आस्क हिम एंड ही विल हेल्प यू. तो लेट्स एंटर. दिस इज द सिटिंग एरिया ऑफ द विला. सो यहाँ पे जो सोफ़ा है आप देख सकते हैं, इट्स अ लग्जूरियस होम स्टे. तो यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इज डेकोरेटेड लग्जूरियसली, मतलब आप कलर कॉम्बिनेशन से लेकर कंफर्ट तक एवरीथिंग, इट्स अमेजिंग. आप खुद देख सकते हैं, आप खुद नोटिस कर सकते हैं. हियर इज अ ह्यूज विंडो इन हेयर, मतलब मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ. यू कैन सी द वैली व्यू फ्रॉम हेयर. एंड अगर आप लोगों को प्राइवेसी चाहिए, तो आप इस ब्लाइंड्स को नीचे भी कर सकते हैं एंड यू कैन मेंटेन योर प्राइवेसी इन हेयर एज वेल. यहाँ पे आप एक AC देख सकते हैं, तो एक डाइनिंग रूम में आप यहाँ पे AC को भी इंजॉय कर सकते हैं. हालांकि डे टाइम में ही यहाँ पे गर्मी होती है, क्योंकि आफ्टर सनसेट इट्स वेरी चिली है, तो तब AC की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड हियर इज़ अ फैन, हियर इज़ द फैन. एंड आप देख सकते हैं, इट्स अ डबल हाइट विला. मतलब आजकल के विलाज आर ऑलमोस्ट लाइक द हाइट इज़ वेरी लो, बट इट्स अ डबल हाइट विला, विच इज़ अ एडवांटेज. एंड दिस इज़ द किचन एरिया. आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ स्मॉल डाइनिंग टेबल एज वेल. And this is the kitchen, which has everything from utensils, from gas stove, HMPs, microwave ovens, everything you need in a perfect kitchen. Everything is here. आप यहाँ पे आराम से कुक कर सकते हैं, अपने मन पसंद का खाना कुक करके आप यहाँ पे अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं. तो अभी मैं आप लोगों को वॉशरूम का भी टूर दे देता हूँ. तो as soon as we enter here, आप लोगों को एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया, here is a fridge as well, refrigerator. You can store your things in here, from juices to everything. And
There's a wardrobe here and it's a walk-in closet kind of thing. It's a changing room as well. Yahan pe aap change kar sakte. And there's a luxurious washroom as well. It's a modern washroom. आप एंटर करके ही देख सकते हैं. There's a shower, geyser. यहाँ पे कोई भी आप लोगों को परेशानी नहीं होगी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो. So as you can see, there are very well equipped bathroom fittings. आप देख सकते हैं. It's amazing. Here we enter the bedroom of the villa. As you can see, here is the bedroom. It's huge and there's a king size bed. मतलब it's amazing. Like the furnishings, the paintings, the blinds, everything. They are so well decorated and furnished. आपको यहाँ पे एक peaceful soothing feel भी होगा. And here's the fan. And there's the AC again as well. There are two ACs in this villa. आप यहाँ पे आराम से enjoy कर सकते हैं. And here is the third smart TV. आप यहाँ पे Wi-Fi से connect करके OTT platforms in YouTube को access कर सकते हैं और enjoy कर सकते हैं. And there's internet facility as well, which is a Wi-Fi facility, and it provides up to 100 Mbps of speed, which is great for a village area like this. तो आप यहाँ पे अगर long stays भी करें तो आप work from home भी कर सकते हैं. And there's the blinds as well, and यहाँ पे भी आप वैली व्यू देख सकते हैं. इट्स अ मेन फॉरेस्ट एरिया एक्चुअली. एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे रोप वे जो मैंने आप लोगों को दिखाया था वो उसका प्रोजेक्ट चल रहा है. एंड आप रूम से ही जब ये रोप वे पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा आप रूम से ही रोप वे को देख सकेंगे. एंड देन दिस इज अगेन द वैली व्यू जो मैंने आप लोगों को दिखाया था. तो आप लोगों को बेडरूम से भी वैली व्यू मिलता है, आप लोगों को ड्राइंग रूम से भी वैली व्यू मिलते हैं, विच इज काइंड ऑफ ग्रेट. और आप बाहर जाके भी एंजॉय कर सकते हो. यही मेन विला था, आप लोगों को अच्छा लगा होगा. तो अभी मैं आप लोगों को जो बाकी दो कॉटेजेस हैं वो भी आप लोगों को एक शॉर्ट ग्लिम्प्स दे दूंगा. हम तो यहाँ पे आए थे अपने पर्सनल कार में, लेकिन अगर आप इंडिया के किसी भी रीजन से यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप पहले देहरादून आ जाइए बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एयर और अकॉर्डिंग टू योर बजट. एंड वंस यू रीच देहरादून आप यहाँ देहरादून से एक कैब कर सकते हैं. हेयर ऊबर एंड ओला दोनों वर्क करते हैं. एंड आप एक कैब करिए, यहाँ पे लोकेशन डालिए एंड आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे. इट विल हार्डली टेक 30 मिनट्स एंड इट विल हार्डली चार्ज यू अराउंड 400-500 रुपीस. तो अगर आप एक बजट में हो तो आप बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आराम से आ सकते हैं. यू डोंट नीड अ पर्सनल कार टू कम हेयर. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करेंगे तो ये लोग भी आपके लिए कार अरेंज कर देंगे देहरादून से यहाँ पे आने के लिए. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे जैसे रेस्टोरेंट है अगर आप वहाँ से नहीं फूड ऑर्डर करना चाहते या फिर आप सेल्फ कुक नहीं करना चाहते तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है स्विगी एंड जोमेटो की. तो आप ऐप में ऑर्डर कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपका फूड आ जाएगा एंड यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम द बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन देहरादून. और आप यहाँ पे बैठ के व्यू के साथ आराम से इंजॉय कर सकते हैं. तो ये बहुत ही एक अच्छी बात लगी मेरे को. ये काफ़ी ज़्यादा होम स्टेज में ये ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि दे आर इन सम फार ऑफ प्लेस. और ये जो है ये नेचर से भी कनेक्टेड है एंड ये सिटी से भी बहुत कनेक्टेड है. एंड यहाँ पे जो वेदर है इट्स अमेजिंग. लाइक दिन में देयर्स सनलाइट, आप यहाँ पे बैठ के इंजॉय कर सकते हैं. और रात को इट्स वेरी चिली. तो ओवरऑल इट्स अ वंडरफुल प्लेस. आप यहाँ पे आ सकते हैं फैमिली के साथ और इन्जॉय कर सकते हैं. तो मैं भी आप लोगों को यहाँ का कॉटेज टूर भी देता हूँ. यहाँ पे साइड बाई साइड दो कॉटेजेस हैं एंड ये है यहाँ पे गजपाल भैया, ही इज़ द केयर टेकर है. और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. आप जब भी इनको हेलो भैया, हेलो. तो ये भैया केयर टेकर है यहाँ पे और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. और आप जब भी अब हम लोग को हेल्प चाहिए आप हेल्प करते हो. So out of the two cottages, I am entering the first one. So let's enter. This is the cottage number one. And as soon as you enter, there is water and there is the television set and here is the wardrobe as well. तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ना ही किचन है और ना ही एक सिटिंग एरिया है. तो अगर आप एक सिंगल फैमिली हो और अगर आप लोगों को एक सिंगल रूम टाइप कॉटेज चाहिए सो इट्स द परफेक्ट फॉर यू. आप यहाँ पे बुक कर सकते हो. हमारे नीड के हिसाब से हमने विला बुक किया था. आप यहाँ पे भी आ सकते हो. इवन इफ यू आर अ ग्रुप ऑफ लाइक थ्री फैमिलीज यू कैन टेक दीज टू कॉटेजेस एंड द विला. तो आप ऐसे अपने अकॉर्डिंग एंजॉय कर सकते हो. सो नाउ लेट्स गो टू कॉटेज नंबर टू.
इट्स ऑलमोस्ट द सेम, बट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. सो दिस इज द कॉटेज नंबर टू, आप देख सकते हैं इट्स ऑलमोस्ट द सेम, फर्निशिंग सेम एंड दिस इज डिफरेंस ऑफ द व्यू. आप यहाँ पे आपको व्यू मिलेगा, बहुत ही बढ़िया व्यू आप देख सकते हैं. दिस इज द वैली व्यू, मतलब आपको कॉटेज से भी व्यू मिलेगा एंड आप बाहर तो एंजॉय कर ही सकते हैं, विच इज काइंड ऑफ ग्रेट. एंड हियर इज द एसी एज वेल अगेन, और दिस इज द बेडरूम, देयर इज द वार्डरोब एंड दिस इज अगेन द वॉशरूम, इट्स अ स्मॉल वॉशरूम. सो दीज आर द टू कॉटेजेस, आप यहाँ पे आ सकते हैं. सो द होमस्टे टूर एंड्स हियर, मैंने आप लोगों को तीनों रूम्स दिखाए, द टू कॉटेजेस एंड द विला. तो गाइज, मैंने आप लोगों को इस प्रॉपर्टी में जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को डे में दिखाया था, लेकिन अभी रात हो चुकी है एंड यहाँ पे लाइटिंग सब ऑन है. तो मैंने ये व्यू देखा एंड आई थॉट अगर मैं आप लोगों को ये नहीं दिखाऊंगा तो आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ मिस करोगे. तो आप जैसे देख सकते हो, ये जो विला है ये रात को कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, आप देख सकते हैं. इट लुक्स अमेजिंग, मतलब बहुत ही सुंदर लाइटिंग्स है. तो मैं अभी आप लोगों को गार्डन फिर से दिखाता हूँ, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स एट नाइट, आप देख सकते हैं. और यहाँ का एनवायरनमेंट इतना ही ज़्यादा पीसफुल है, आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे. एंड दिस इज द होल वैली, सी हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स इन नाइट, आप लाइट दे सकते देख सकते हैं. आप लोगों को और भी कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, मैं अपनी तरफ से बेस्ट आप लोगों को हेल्प करने की ट्राई करूंगा. आई होप यू एंजॉयड दिस, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड वंस अगेन, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये मैंने अपनी मर्जी से बनाया है एंड आई लव दिस प्रॉपर्टी सो मच, आई वुड लव टू कम हेयर अगेन. आप भी लोग यहाँ पे आइए, आप भी इंजॉय करिए, आप भी थोड़ा रिलैक्स करिए. आपका अगर स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है तो आप यहाँ पे आके अपने फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं. थैंक यू, वील मेट अगेन इन द नेक्स्ट व्लॉग. नमस्ते.